रहीम आज के जो लेक्चर है उसमें हमने टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ को जो है वो बेसिकली स्टडी करना है अब तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मसल्स और फंक्शंस ऑफ़ मसल्स को स्टडी किया था अब हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ जो उनको स्टडी करेंगे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मस्कुलर टिश्यू बेसिकली है क्या तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली क्या होता है कि जिस वक्त मसल सेल्स मसल फाइबर्स और इनका जो तीसरा नाम है वो है माओसाइड्स जबकि ये मिलते हैं उनकी कम्बिशन के थ्रू जो चीज़ बनती है उसको हम टिशू कहते हैं और उसको हम प्रॉपर नाम देते हैं मस्कुलर टिशू का अब इसमें हमारे पास तीन तरह के टिशूज़ हैं आ, मस्कुलर टिशूज़ हैं स्केलेटन मसल्स स्मूथ मसल्स और इसके अलावा कार्डिक मसल्स अब किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी देखना ज़रूरी होता है कि बेसिकली टॉपिक रियलाइजेशन उसको आइडेंटिफाई करना बहुत तो ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर स्केलेटन मसल्स को नाम दिया गया तो क्यों दिया गया है अगर स्मूथ मसल्स को नाम दिया गया है तो क्यों दिया गया और अगर कार्डिक मसल्स को यह नाम दिया गया तो क्यों दिया गया है तो इनकी डिटेल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि स्केलेटन मसल्स को नाम इस वजह से दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर रिलेशन टू द स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन में स्केलेटन मसल्स पाए जाते हैं ये वो मसल्स होते हैं जो कि आपके स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं इनकी अटैचमेंट की बेस पे हम इसको नाम देते हैं स्केलेटन मसल्स का स्मूथ मसल्स बेसिकली इनको स्मूथ क्यों कहते हैं ये हम जब हम डिटेल पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स की तो उसमें हम देखेंगे क्योंकि इनमें स्टेशंस नहीं होती जी ये नॉन स्टेरिएट मसल्स होते हैं इसमें आपको किसी तरह की स्टेरिएशन नहीं मिलती हैं तो इस वजह से आप इनको स्मूथ मसल्स यानी कि इनकी अपेरेंस के बेस पर आप इनको स्मूथ मसल्स का नाम दे रहे हैं और थर्ड कैटेगरी हमारे पास कार्डिक मसल्स की है ये एक अंडरस्टूड बात है कि जब भी हम कार्डिक कवर्ड यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड ही बातें कर रहे होते हैं सो कार्डिक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि स्केलेटन मसल्स जो हैं बेसिकली ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैचड होते हैं इसके अलावा स्मूथ मसल्स जो हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब हम इसका स्टडी करते हैं तो इसकी अपेरेंस में ये हमें नॉन स्टेरिएटेड नज़र आ रहे होते हैं इसीलिए स्मूथ मसल्स को हम नॉन स्टेरिएटेड मसल्स भी कहते हैं और जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वो हमारे पास बेसिकली कार्डिक मसल्स की है जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि अगर आप डेवलपमेंटल प्रोसेस में इन तीनों मसल टाइप्स को देखेंगे तो आप उसको स्केलेटन स्मूद कार्डिक मसल्स जो है, वो हैं Basically, वो कहाँ से डिराइव्ड होती हैं बेसिकली वो मेसोडर्म से जो है, वो हैं वो डिराइव्ड होती हैं एक्सेप्ट द अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन मेंशन की गई है एक्सेप्ट द स्मूथ मसल ऑफ द आइरिस व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म तो हमने लेयर्स डेवलपमेंटल प्रोसेस में जब हम स्टडी करेंगे इन डिटेल तो वहाँ पे इसको चीज़ हम फर्दर देखेंगे कि मीज़ोडर्म क्या है एक्टोडर्म क्या है एंडोडर्म क्या है लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेमोराइज करना ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो स्केलेटन मसल्स स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स होते हैं बेसिकली ये तीनों के तीनों मीजोडर्म से डराइवड हो रहे होते हैं अब हम वन बाई वन इन सब की कैटेगरीज को स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि स्केलेटन मसल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फिर स्मूथ मसल्स की एंड देन कार्डिक मसल्स की